हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे फिश वर्ल्ड चैनल में और फिर से आ गया हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ब्रीड पैरेट फिश एंड केयर इन्फॉर्मेशन। पैरेट फिशेस को ब्रीड करने के लिए उनको प्रॉपर डाइट देने की बहुत ज़रूरत है। अगर वाटर का टेम्परेचर प्रॉपर होगा और वाटर केमिस्ट्री अच्छा होगा तब कोई भी फिशेस को ब्रीड करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैरेट फिश एक एग्रेसिव फिश है और इन फिशेस की लाइफ स्पैन 10 इयर्स तक होती है। पैरेट फिश आपको बहुत सारे कलर्स में मिलती है और पैरेट फिश चिकलेट के कैटेगरी से है। पैरेट फिश का ग्रोथ 8 to 9 इंच तक हो सकता है, इसलिए आप एक बड़ा टैंक रखें। और पैरेट फिश एक टेरिटोरियल फिश नहीं है, ये फिशेस मीटिंग के टाइम पे ही एग्रेसिव होते हैं और आप इन्हें कुछ कम्युनिटी फिशेस के साथ भी रख सकते हैं, जैसे प्लैटी, मॉली, लार्ज साइज गप्पी फिश, अरवाना, फ्लावर हॉर्न। आप इन्हें ज़्यादातर फिशेस के साथ रख सकते हैं और इनका टेम्परेचर है 23 to 27 और pH 7.0 to 8.0। ये फिश एक नेचुरल फिश नहीं है, ये एक मैनमेड फिश है। दो डिफरेंट कैटेगरीज के फिशेस को क्रॉस ब्रीड करके ये फिशेस मिली हैं। ईयर 2000 में ये फिशेस अवेलेबल नहीं थी। 2000 ईस्वी के बाद ये फिशेस मार्केट में आने लगी और इसके आने के बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए अमेरिका में, क्योंकि ये एक नेचुरल फिश नहीं है, ये एक मैनमेड फिश है। और पैरेट फिश को रखने के लिए ज़रूरी है कि आप बड़ा एक्वेरियम और हाइडिंग प्लेस रखें और एक्वेरियम में एक ड्रिफ्टवुड और प्लेन स्पॉट रखें जिसमें फीमेल एग्स ले करें। एग्स के हैच हो जाने के बाद 25% वाटर चेंज करें जिससे फंगस क्रिएट ना हो वाटर के अंदर। सो, अब हम बात करते हैं हाउ टू ब्रीड पैरेट फिश। पैरेट फिश को ब्रीड करने के लिए मेल और फीमेल आपको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। मेल पैरेट फिश में डॉर्सल फिन पॉइंटेड होता है और फीमेल पैरेट फिश में डॉर्सल फिन कर्व्ड होता है। फीमेल पैरेट फिश साइज़ में बड़ी होती है मेल के मुकाबले। फीमेल पैरेट फिश के बैक बॉटम फिन्स के बीच एक एनलार्ज्ड डक ट्यूब होता है। सो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि आपके पैरेट फिश मेल है या फीमेल। मेल फीमेल कंफर्मेशन के बाद आप एक परफेक्ट पेयर बनाओ उनका। फीमेल ब्रीड करने के लिए खुद पार्टनर्स को चुनती है। अगर आपके पास एक मेल और एक फीमेल है तो कम चांसेस होते हैं कि फीमेल उसके साथ ब्रीड करेगी, इसलिए आप दो मेल और दो फीमेल रखो जिससे वो खुद से पेयर बना लेंगे। और ब्रीड करने के दौरान आप एक दिन में 4 times फीड करो, जैसे ब्लड वॉर्म, ब्राइन श्रिम्स, बीफ हार्ट, और हर 2 weeks में 50% वाटर चेंज करें जिससे वाटर में हार्मोन्स कम होंगे और फिशेस का ग्रोथ बिगर और थिकर होगा। जब फिशेस बिगर और थिकर हो जाए तो फिशेस ब्रीड करने के लिए रेडी है। फिशेस जब रेडी हो जाती है ब्रीड करने के लिए तो लेइंग स्पॉट को क्लीन करती है और मेल फिश फीमेल फिश को चेस करेगा ब्रीडिंग के लिए। और ज़्यादातर टाइम मेल और फीमेल फिश एक साथ रहेंगे मीटिंग करने के लिए और परफेक्ट पेयर बनने में 1 या 2 हफ्ता भी लग सकता है। मीटिंग करने के 4 दिन बाद फीमेल्स एग लेकर देती हैं और उसके बाद 2 से 3 दिन में एग्स हैच हो जाते हैं। हैच होने के बाद पेरेंट्स को रिमूव ना करें, क्योंकि एग्स में फंगस क्रिएट हो जाता है और वो फंगस फिशेस खा लेती है। अगर 5 दिन बाद एग्स हैच नहीं हुए तो आप उन एग्स को रिमूव कर दें और फिर से आप एक नया प्लेन सरफेस रखें। फीमेल फिर से एग्स ले करेगी। अंडों के हैच हो जाने के बाद 2 दिन तक फीड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन बाद आप डेली उनको 3 times फीड करवाएं, जैसे बेबी ब्राइन श्रिम्स और बेबी फिश फूड फीड करवाएं। अगर पेरेंट्स एग्रेसिव होके बेबीज को खाए तो आप उनको रिमूव कर दें। अगर आप बेबीज़ को डेली 3 times फीड करोगे तो बेबीज़ में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा और 3 months बाद वो एक मैच्योर्ड एज में आ जाएंगे और तब आप इनको नॉर्मल फिश फूड दे सकते हैं। अगर फिशेस दोबारा एगले करना चाहते हैं तो वो एग्रेसिव होके बेबीज़ को खा लेते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब बेबीज़ हैच हो जाए तो उनको पेरेंट से सेपरेट कर लें। और 3 months बाद आप पेरेंट फिशेस के साथ रख सकते हैं या फिर एक कम्युनिटी टैंक में रख सकते हैं। अगर आप फीमेल को नहीं निकालते हैं तो फीमेल फिर से रेडी हो जाती है ब्रीड करने के लिए और वो अपने फ्राइज को खा लेंगी। सो ये सारे टिप्स का अगर आप फॉलो करोगे तो पैरेट फिश को ब्रीड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आता रहूँगा मैं इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।